55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले के कृष्णा हाइट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब किसी मंदिर का भूमि पूजन होता है और बाद में मंदिर बनना कैंसिल हो जाता है, अब वहां गरीब दीनों के लिए एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लगभग लागत 200 करोड़ के आसपास होगी। क्या कुछ कहना है सुनते हैं। क्या बताइए भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो पहले हमारा भाव था, संकल्प था कि बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर बने बागेश्वर धाम का, पर हमारे गुरुजी ने हमको दूसरी प्रेरणा दी कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि भूमि पूजन होने के बाद, मैप बनने के बाद, उसका नक्शा बनने के बाद हमारे गुरुजी ने उस नक्शा को फड़वा दिया। लगभग 2 से 3 करोड़ का पहले मंदिर का निर्माण हो रहा था। अब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है, एक बीमारी की दिक्कत है जो हर 6th में और 7th में व्यक्ति को है। गरीब व्यक्ति दवा नहीं ले पाता, टाटा मेमोरियल जा नहीं पाता, अंततोगत्वा उनकी मौत हो जाती है, परिणाम अंततोगत्वा भयावह होता है। ऐसे दीन दुखियों के लिए बागेश्वर पीठ ने यह निर्णय लिया कि अब मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। लगभग 300 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनेगा और प्रत्येक दीनहीन को न्यून दर पर दवा प्राप्त होगी। ये इतिहास में और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इसको बताया। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। इन्होंने पहली बार ऑफिशियली बताया, अब तक नहीं बताया, लगेंगे 8-10 साल, लेकिन हम बना करके ही नहीं।